बीकानेर का स्थापना दिवस 9 मई को मनाया जाएगा। बीकानेर के 537वें स्थापना दिवस पर शहर में लगातार दो दिन तक पतंगे उड़ाई जाती है। बीकानेर के कलाकार किशन पुरोहित और उनका परिवार हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी तमाम तरह के चिंदा बना रहा है। इन्हीं सब को लेकर बीकानेर के एवन टीवी के संवाददाता के सिंह ने किशन पुरोहित से खास बातचीत की। राजस्थान की मरुनगरी के नाम से विख्यात शहर बीकानेर अपना 537वां स्थापना दिवस मनाने की तैयारी कर रहा है। एक तरह से कहा जा सकता है कि यहाँ पे पतंगों से आसमान सरोबार रहता है और तमाम तरह की परंपराओं को निभाते हुए यहाँ पर चंदा नामक एक तरह से कहा जा सकता है पतंग उड़ाई जाती है। ये तमाम तरह के चंदे हैं, आप देख सकते हैं अलग अलग तरह के चंदे हैं और ये कुछ ना कुछ संदेश मैसेज दे रहे हैं बराबर। और इस बार खास बात आपको बताना चाहेंगे कि ये जो चंदे और आप जो देख रहे हैं इनमें विशेष तरह की पेंटिंग्स भी की गई है, कुछ ना कुछ संदेश दिया हुआ है। बीकानेर की अति प्राचीन रामपुरिया हवेली भी देख सकते हैं आप, तो कहीं ना कहीं महाराजा गंगा सिंह जो है उन्हें भी देख सकते हैं यहाँ पर। आपको बिल्कुल हम आपको बताने का प्रयास करेंगे कि महाराजा गंगा सिंह और श्रद्धांजलि पूर्वक यहाँ पर सुशीला देवी जो कि बीकानेर की पूर्व राजमाता रही हैं उनकी भी, ये देखिए पतंग और चंदा एक तरह से पूरी तरह से तैयार है और ये इन्हें उड़ाने की तैयारी में ये कहा जा सकता है कि देख। बात करते हैं कृष्ण चंद्र पुरोहित जो इन्हें बनाया है, जिन्होंने बताया क्या कहेंगे। रियासत काल में हमारी बीकानेर की जो स्थापना की गई थी राव बीकाजी ने की थी और राव बीकाजी ने अपने सबसे पहले कोई मोबाइल और टेलीफोन कुछ नहीं थे तो उसमें एक चंदा नमक जो आकृति की जो पतंग है उसको संदेश लेकर जनता तक प्रचार अपने संदेश भेजते थे। आज ये जो आधुनिक काल से 530 वर्ष पुरानी परंपरा को आज हम जीवित रखे हुए हैं और इसी चंदा के माध्यम से आज हम आधुनिक भारत के रूप में देख रहे हैं कि बीकानेर में चंदे आज भी उड़ रहे हैं और पतंगों के दौर के साथ में, लेकिन पतंगों के साथ में चंदे के अंदर हम अलग अलग तरह के कंटेंट दे रहे हैं। जैसा कि हमने इस बार गंगा सिंह जी का दिया, गंगा सिंह जी वंशावली दिया है, राजमाता का दिया है, रेल फाटक की समस्या का दिया है, हजार हवेलियों का शहर बीकानेर कहलाता है उसमें दिया है, चाइनीज मांझे का बहिष्कार करने के लिए हमने इसमें कंटेंट दिया है। देखिए यहाँ पर तमाम जैसा कि मैंने आपको बताया, बात करते हैं आप तेज गर्मी के अंदर पतंग उड़ाते हैं आप भी? यस सर, मेरा नाम आता है तेज गर्मी में, बहुत मजा आता है सर। मैं सुबह गर्मी ले हो छाव हो धूप हो कुछ भी हो, बाकी दो दिन का काम है ये उड़ाने, बहुत मजा आता है पतंग, छत पर टंगे रहते दिन भर छत पे। आप जैसे इन्होंने बोला कि ये दो दिन का उत्सव है तो इसमें हम पूरी टेंशन भूल जाते हैं, पूरे साल भर की जो भी पढ़ाई वगैरह की टेंशन है वो हम सब भूल भुला कर इस त्योहार का आनंद उठाते हैं। और ये जो चंदा है ये मेरे फेवरेट है, मैं तबला बजाता हूँ, ठीक है ना। तो मांझे से हाथ कटने का डर रहता है, इसमें एक लंबी सूत की डोरी का यूज होता है तो मैं इसे, चलो आप बताए क्या कहेंगे, कैसा मजा आता है पतंग उड़ाने का, ये जो चंदा उड़ाने का। पतंग ना से चंदा ज्यादा सही रहता है क्योंकि इसमें ना तो मंजे का डर रहता है ना इसमें कुछ अंगुलियां कटने का डर रहता है, इसलिए इसमें आप लोग पतंग कटती है तो क्या बोलते हो, जोर से सब लोग बोल के बताएं, जोर से चिल्ला के बताएं। उड़ा। देखिए ये तमाम तरह की भाषा एक तरह से यहाँ बीकानेर में सुनने को मिलती है। आखा तीज वाले दिन, केके सिंह, एवन टीवी, बीकानेर।